Hello my dear and lovely students, this is Sunil here, your English teacher, and today I am here with the third part of Unit 1, Section 2, They Came, as you can see here. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आगे की एक्सप्लेनेशन को. लास्ट वीडियोस में हमने इसके दो दो पेजेस करके एक्सप्लेनेशन देख लिए हैं. आज हम स्टार्ट करेंगे उससे आगे की एक्सप्लेनेशन को. तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि वो जो स्पेसशिप थी एलियंस की, वो उनके सिटी में आ चुकी थी और उसको देखने के लिए काफ़ी भीड़ एकत्रित हो गई थी और मीडिया भी आ चुका था वहाँ पे, टीवी रिपोर्टर भी आ चुके थे, सभी लोग आ चुके थे. और इवन ये खुद भी जो पर्सन हैं, जो राइटर हैं, वो भी भाग करके अपना कैमरा लेकर के गली में निकल के जाते हैं देखने के लिए कि आखिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ. तो इससे आगे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं. तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ से, ये कह रहे द समर हीट वॉज स्टिफिंग बट इट वॉज मेड वर्स बाई द थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन द स्ट्रीट्स. ये कह रहे हैं कि जो समर की जो हीट थी वो काफ़ी स्टिफलिंग का मतलब होता है दम घोटने वाली थी. बट इट वॉज मेड वर्स बाई थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन द स्ट्रीट. लेकिन ये और भी ज़्यादा कठिन हो गई थी क्योंकि उस स्ट्रीट में बहुत सारे, यानी हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हो गए थे. तो जितने ज़्यादा लोग कहीं भी कलेक्ट होंगे वहाँ पर हीट उतनी ही ज़्यादा हो जाती है. ही पुश्ड हिज वे थ्रू द क्राउड टू गेट अ बेटर व्यू. और उन्होंने अपना जो है रास्ता थोड़ा सा लोगों के बीच धक्का मुक्की करके बनाया ताकि वो सही से ठीक से नज़ारा वहाँ से देख पाए. ही सॉ पीपल ऑन देयर नीज प्रेइंग, अदर्स वर चैंटिंग, होल्डिंग क्रिस्टल्स अप एज इफ ऑफरिंग द शिप सम काइंड ऑफ सेक्रीफाइस. जब उन्होंने थोड़ा सा लोगों को धक्का देकर के आगे अच्छा सा देखने लायक अपना नज़ारा बनाया व्यू, तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि लोग जो है अपने नीज पर झुक करके प्रे कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और दूसरे जो है और कुछ लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे चैंटिंग कर रहे हैं. चैंटिंग का मतलब होता है भजन कीर्तन करना, गाना गाना, इस तरह के उनको गाना गा रहे थे. कुछ लोग अपने हाथों में क्रिस्टल्स लिए हुए थे, मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो लोग उस शिव को किसी तरह का सेक्रीफाइस ऑफर कर रहे हों अपनी तरफ से. Then it happened, और फिर ये होता भी है, a loud musical note erupted from the ship, और लोग गाने गा रहे थे, प्रे कर रहे थे, तभी अचानक से उस ship में से बहुत तेज सा कोई म्यूजिकल नोट, यानी कि कोई संगीतमय भरा, संगीत से भरी हुई कोई धुन उधर से निकलती है. और वो जो म्यूजिकल नोट होता है वो इतना तेज़ होता है, इतना फास्ट होता है कि विंडोज़ इन द नियर बाई बिल्डिंग्स इम्प्लोडेड. जो आसपास की बिल्डिंग के जो विंडोज़ थे वो क्या हो गए? इम्प्लोडेड. इट मीन्स पूरी तरह से कोलैप्स्ड हो गए. क्या हो गए? कोलैप्स्ड हो गए. इट मीन्स पूरी तरह से एक्सप्लोडेड हो गए. क्राउड्स स्क्रीम्ड एंड रैन फ्रॉम द फॉलिंग ग्लास. और जो भीड़ थी वो भागने लगी, इधर उधर भागने लगी, चिल्लाने लगी उस गिरते हुए ग्लास से बचने के लिए. इफ़ ही हैड स्टेड इन हिज ऑफिस ही वुड श्योरली हैव बीन रिप्ड टू श्रेड्स बाय द ग्लास. अगर वे भी अपने ऑफिस में रुके हुए होते तो निश्चित ही वो भी उस ग्लास के, उससे चीरने वाले ग्लास से उनके भी क्या हो जाते? टुकड़े टुकड़े हो जाते. द म्यूजिकल नोट्स कंटिन्यूड इन अ कैकोफोनी दैट ग्रेटेड ऑन द ईयर्स. तो वो जो म्यूजिकल नोट्स था उसकी जो आवाज़ थी वो बहुत दुखदायी थी, यानी कि कानों को बहुत ज़्यादा पीड़ा पहुँचाने वाली थी. इट हैड नो म्यूजिकल कॉन्टेंट व्हाट्स ओवर. और उसमें कोई ज़्यादा खास म्यूजिकल कॉन्टेंट नहीं था कुछ किसी भी तरह का. द म्यूजिक लास्टेड फॉर अबाउट 10 मिनट्स. और वो जो म्यूजिक था करीब 10 मिनट तक चलता रहा. देन एज एब्रप्टली एज इट हैड स्टार्टेड इट स्टॉप्ड. और जितनी शीघ्रता से ये शुरू हुआ था उतनी ही शीघ्रता से क्या हो गया? ये बंद भी हो गया. इट लुक्स एज इफ दे वॉन्ट टू जैम विद अस. ऐसा लग रहा था मानो वो हमारे साथ कुछ खेलना चाहते हों और हमारे साथ म्यूजिक प्ले करना चाहते हों. इस तरह का रिमार्क वहाँ पर खड़े एक यंग बॉय ने अपने फ्रेंड से कहा, यानी दिया.
सी रिटॉर्टेड, तो तभी उधर से जो है कोई चिल्लाता है, बोलता है कि कॉल दैट म्यूजिक, इस म्यूजिक को बुलाओ, यानी कि इस म्यूजिक को सुनो। ही स्माइल्ड एट दैट एज ही फाउंड दैट द सी रिटॉर्टेड, आई मीन ही रिटॉर्टेड होगा यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेंस। ही स्माइल्ड एट दैट एज ही फाउंड दैट द म्यूजिक दैट द किड्स लिसन टू टूडे नथिंग मोर देन नॉइज। तो वो उनकी तरफ देख करके स्माइल करते हैं और सोचते हैं कि जो म्यूजिक आज बच्चों ने सुना था वो एक शोर से ज़्यादा कुछ नहीं। ही कुड हियर वन ऑफ द टी वी रिपोर्टर्स टॉकिंग इन टू अ कैमरा नियर बाई। फिर उन्होंने कुछ टी वी रिपोर्टर्स को अपने कैमरा के नज़दीक आकर के कुछ बोलते हुए सुना। तो वो लोग क्या बोल रहे थे, देखिए वो कह रहे थे कि डैश 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 एंड इट मे बी पॉसिबल दैट द एलियन क्रिएचर कम्युनिकेट बाई म्यूजिक। और वो लोग कह रहे थे कि ऐसा संभव हो सकता है कि जो एलियन क्रिएचर है वो म्यूजिक के थ्रू क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। आई विल हैंड यू बैक टू द स्टूडियो फॉर अ कमेंट बाई अवर लीडिंग गवर्नमेंट साइंटिस्ट। चलिए मैं आपको अपने स्टूडियो वापस ले चलती हूँ ताकि वहाँ से हम अपने कुछ जो गवर्नमेंट साइंटिस्ट हैं उनके कुछ कमेंट्स को देख सकें, सुन सकें, जान सकें। ही लुक्ड एट द रिपोर्टर एंड विश दैट ही हैड बॉट अ पॉकेट टीवी टू सी द रेस्ट ऑफ द रिपोर्ट। उन्होंने रिपोर्टर की तरफ देखा और थोड़ी सी इच्छा प्रकट की कि काश उनके पास एक पॉकेट टीवी होता जिससे कि वो आगे जो बची हुई रिपोर्ट है उसको भी देख पाते। बैक इन हिज ऑफिस ही वॉज द वर्कमैन क्लीनिंग द ग्लास बे। जब वो वापस अपने ऑफिस में आए तो उन्होंने देखा कि जो वहाँ के वर्कमैन थे उस ग्लास को क्या कर रहे थे, जो टूटा फूटा ग्लास था उसको साफ कर रहे थे। ही वंडर्ड इफ पीपल रियलाइज दैट द एलियंस वर नॉट जस्ट विजिटर्स विदाउट एन ईयर फॉर म्यूजिक। और वो इस चीज़ को लेकर के आश्चर्यचकित थे और थोड़े से आश्चर्य में थे कि लोगों को काश इस चीज़ का रियलाइज हो जाए कि एलियंस खाली विजिटर्स नहीं थे, वो म्यूजिक को भी सुनने वाले थे, म्यूजिक को भी जानने वाले थे। फॉर बेटर और फॉर वर्स दे हैड चेंज द लाइफ्स ऑफ एवरी वन हु लिव्ड ऑन अर्थ। ये कह रहे हैं कि चाहे भले के लिए ही चाहे बुरे के लिए ही उन्होंने यहाँ पर लोगों के जीवन को बदल के रख दिया, पृथ्वी पर लोगों के जीवन को बदल के रख दिया। ग्रेजुअली पीपल वुड अंडरस्टैंड दैट द यूनिवर्स वॉज पॉपुलेटेड बाई डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिएचर। तो देखिए वो जो स्पेस शिप थी वहाँ पर जो आई थी उसकी वजह से लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला। तो वही राइटर कह रहे हैं कि उसने लाइफ लोगों की कुछ काफ़ी हद तक चेंज कर दी और धीरे धीरे लोगों को ये भी विश्वास होगा कि हमारा जो यूनिवर्स है अलग अलग तरह के क्रिएचर से क्या है, भरा हुआ है, क्या है, पॉपुलेटेड है, भरा हुआ है। दोज पीपल इफ़ यू कुड कॉल देम दैट हैड अ कम्प्लीटली डिफरेंट एपीरियंस। अगर आप उन जैसे लोगों को बुलाएंगे तो सीधी सी बात उनका कुछ जो है अलग एपीरियंस होगा, डिफरेंट वे ऑफ सीइंग लाइफ होगा, जीवन को देखने का अलग नज़रिया होगा एंड डिफरेंट नीड्स, और उनके ज़रूरतें भी अलग होंगी। द अर्थलिंग्स वुड हैव टू लर्न टू एडजस्ट विद देम। और जो हमारे पृथ्वीवासी उनको इस चीज़ को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आखिर हम उनके साथ कैसे एडजस्ट करें अपने आप को। Perhaps the aliens were a blessings in disguise because now everyone would forget to belong to different countries and regions. और शायद ये aliens को एक तरह का blessings भी है कि वो किसी भी तरह का भेष बदल सकते हैं या फिर इधर उधर रूप बदल के आ जा सकते हैं। और ऐसा हमारे यहाँ भी है जो, और हमारे यहाँ के लोग भी भूल जाते हैं कि वो अलग अलग कंट्रीज से अलग अलग रीजन से हैं, जहाँ पर कि हर लोग के अलग अलग कंट्री के रीजन की कुछ अलग बोली होती हैं, कुछ अलग भाषाएं होती हैं, कुछ अलग चेहरे भी होते हैं। दे वुड ऑल यूनाइट टू बिकम पीपल ऑफ द अर्थ। और उनके अंदर वो सारे गुण है कि वो भी इस अर्थ के एक सामान्य नागरिक बन सकें, लोग बन सकें। ही होप दैट वन डे दे वुड ओनली वॉन्ट टू बी पीपल ऑफ द यूनिवर्स। तो वो भी अपने से ऐसी उम्मीद कर रहे थे कि सब ऐसा हो जाएगा, सब कुछ एक जैसा, तो मैं भी इस यूनिवर्स का क्या हो जाऊँगा, एक प्राणी होना चाहूँगा, यानी चाहता हूँ। तो ये इस तरह से यहाँ पे फिनिश हो जाते हैं आपका चैप्टर यहाँ पर। और ये जो चैप्टर था ये निजल एंड्रयू एंडरटन के द्वारा लिखा हुआ था। सो आपने देखा कि इसमें काफ़ी कुछ थोड़ा जो था मिसमैच भी था, अलग अलग चीज़ों को यहाँ पे कनेक्ट किया है। तो इस तरह से इस पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है लाइन टू लाइन। अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम इस चैप्टर की समरी भी आपको एक वीडियो में एक साथ देने की कोशिश करेंगे।
तब तक के लिए आपका ये होमवर्क है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपका होमवर्क है नीचे, आंसर दीज क्वेश्चंस। ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप लोगों को इनके आंसर सर्च करने हैं एज यू कैन सी हेयर। ठीक है, 8 क्वेश्चंस है, 8 में से हम आपको 7 क्वेश्चंस जो हैं एज अ होमवर्क देते हैं, और बाकी मैं कल परसों में आपको अगर नहीं होते मैं खुद इनके आंसर्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसके अलावा आगे अगर आए तो कुछ बुक एक्सरसाइज है, यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिनकी की मीनिंग आपको लिखनी है डिक्शनरी सर्च करके। और नेक्स्ट अगर आ जाए तो इधर आपको कुछ जो है वो दी सेंटेंसेस दिए हुए हैं जो कि आपको ज्वाइन करने एज ए मैचिंग समझ सकते हैं आप लोग इसे। और यहाँ पे ग्रामर से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज दे रखी है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के एक्सरसाइज है ये, अगर आपको 7th क्लास का अपना डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिवाइज हो तो यू कैन डू दैट, आप इसे कर सकते हैं। तो ये 3 ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।